पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद और पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैंने ज्वाइन किया। इमरान खान साहब अंदर बाहर से पाकिस्तानी जो इस मुल्क को बनाना चाहते हैं, और ऐसा फैसला आता है किसी और के नाम कुरान निकलता है तो क्या आपको एक्सेप्ट होगा ये? बाकी वजारत उजमा और ये फैसले इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है, हम उनके वर्कर हैं, जो वो फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर होगा। वजीर आजम अगर बनाया जाता है तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? ये टूरिज्म के हवाले से, मैकेनाइज फार्मिंग के हवाले से, आईटी सॉफ्टवेयर पार्क के हवाले से, क्योंकि जॉब्स वहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से वो बहुत काम होना है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट आजाद कश्मीर में आसमान को छू रही है और हमारे बच्चे और बच्चियां जो हाईली क्वालिफाइड है उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। इमरान खान साहब का इस हवाले से बहुत कंसर्न है, लेकिन गवर्नमेंट का जो इस वक्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो वहां पे न होने के बराबर है। ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि 112 अरब खर्च करें 28 अरब खर्च करने के लिए। खान साहब को हमसे बहुत बेहतर पता है और उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे कई गुना ज्यादा है। सबसे दिलचस्प सवाल क्या था पीएम साहब का जो आपको अच्छा भी लगा? और एक साल के ऊपर खान साहब से बात हुई, खान साहब एक बहुत विजन और कमिटमेंट रखते हैं कि आजाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो एहतसाब का न होना है और ब्राय नाम एहतसाब का इदारा है उसके ऊपर खान साहब एक 100% इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटस को चैलेंज करके आई है, यानी बारियां नहीं लग सकती, एक ने बारी ली हुई है, दूसरे ने बारी ली हुई है, तीसरे ने। कायदे आजम के बाद अगर हमें कोई रॉ बैरियर लीडर नसीब हुआ है तो वो इमरान खान साहब, उनका इखलास और खुलूस है टूवर्ड्स मुल्क और कौम के वो मिसाली है। हमें जो असाइनमेंट वो देंगे हम इंशाल्लाह करेंगे। मरियम नवाज के पास कहने कलाने के लिए कुछ भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो अवाम को कन्विंस कर सके। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, ये हमेशा मौसम खुश रहे, जो इनको लाए थे उनके साथ क्या किया, 6 आर्मी चीफ गए उनके साथ नहीं बनी, किसी सदर के साथ नहीं बनी। जब जब इनको मौका मिला, मैं ये समझता हूँ कि लोग इनको पहचान चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं टीका खान सानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं न सिर्फ रुकन मुंतखिब एमएलए बल्कि वजीर आजम के उम्मीदवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार तनवीर इलियास, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है और भरपूर तरीके से पहली दफा इलेक्शन जीतकर मुंतखिब हुए हैं और बहुत ही पॉपुलरिटी पाई इन्होंने अपनी कैंपेन जिस तरह चलाई, उसके साथ साथ पार्टी के साथ कमिटमेंट और बड़े उम्मीदवारों को शिकस्त दी। इसके साथ चूंकि आज वजीर आजम इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हुई, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि वो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। वजीर आजम ने आज जिन लोगों का इंटरव्यू किया उसमें सरदार तनवीर इलियास भी मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बाकी जमातें बहुत सारी छोड़ के लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, आप भी किसी जमात से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे? देखिये, मैं पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहा, ना मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। हमारी फैमिली, हम बिजनेस करते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस का है, हम पाकिस्तान में भी बिजनेस करते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी बिजनेस करते हैं। हमारा मिडिल ईस्ट में बिजनेस है, मुख्तलिफ मुल्कों में और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद और पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मैंने ज्वाइन किया, और इसके ज्वाइन करने के पीछे ये था कि मैंने ये देखा कि इमरान खान साहब ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जो अंदर से पाकिस्तानी हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बाहर के मुल्कों में क्रिकेट खेली और क्रिकेट से जो पैसा मिला उनको वो लाके उन्होंने शौकत खानम जैसे अस्पताल की बुनियाद रखी, और फिर उन्होंने पाकिस्तानियों से डोनेशन इकट्ठे करके शौकत खानम लाहौर, आप देख रहे हैं कि कितने अरसे से हमारे मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है, पेशावर वाला मुकम्मल हो चुका है, कराची वाला तकमील की तरफ बढ़ रहा है, फिर उन्होंने इदारों की बुनियाद रखी यूनिवर्सिटियों की। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान का जो बनना है ना, ये मस्जिद एलाई पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, और उन कुर्बानियों के बाद जो मुल्क हमने हासिल किया, हम उस मुल्क के साथ जो कुछ कर रहे थे, दरिंदगी, लूट खसूट, मार, करप्शन, तो इमरान खान साहब अंदर बाहर से पाकिस्तानी जो इस मुल्क को बनाना चाहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कायदे आजम के बाद अगर हमें कोई रॉ बैरियर लीडर नसीब हुआ है तो वो इमरान खान साहब, इसलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, मेरा कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तल्लुक नहीं रहा। अच्छा, जो कैंपेन में हलचल थी जीतने के बाद आप वजीर आजम बनने के लिए भी वही हलचल है, या फिर वजीर आजम पर ही इनसार है कि इमरान खान जो फैसला करेंगे? देखिये, मैं ये समझता हूँ कि कैंपेन में चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब हेड कर रहे थे, मैं उनका डिप्टी हेड था आजाद कश्मीर कैंपेन के हवाले से, और वो कैंपेन हमने करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी कोशिशों में काफी हद तक कामयाब हुए।
आजाद कश्मीर के अंदर इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर है, आम आदमी उनको बहुत चाहता है। अगर वहां पे निगरान गवर्नमेंट होती तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाते। बाकी वजारत उज़्मा और ये फैसले इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है, हम उनके वर्कर हैं, जो वो फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर होगा। हमें किसी हवाले से मैं नहीं समझता कि हम ये कहेंगे मुझे ये अहदा मिलना चाहिए, ये उनका प्रोगेटिव है। और आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत मकबूल पार्टी है और लोगों की इमरान खान साहब से तवक्कोआत भी हैं और लोग चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब की क्यादत में आगे बढ़े। अच्छा, चूंकि बिजनेसमैन भी आप हैं और जब सियासत में आए तो शोहरत आपको बहुत ज्यादा मिली, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने उम्मीद से है कि वजीर आजम के लिए आप अहल हैं, या फिर वजीर आजम अगर बनाया जाता है तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? ये दो सवाल है। देखिए, मैं एक ही बात करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है वो इमरान खान साहब की है, लेगेसी उनकी है, वोट उनका, लोग वोट उनको देते हैं। जब लोग उनको वोट देते हैं तो हम उनके विजन और कमिटमेंट को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उनके वर्कर हैं। तो जो उनका विजन है वो कश्मीर के हवाले से, ऑलरेडी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग उनको अपना मौसम समझते हैं। इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस रिवोक किया, तो इमरान खान साहब ने न सिर्फ ये कहा कि मैं कश्मीर का सफीर हूँ, लेकिन उन्हें आलमी सतह पे सफीर बन के दिखाया। तो कश्मीरी जो है वो उनको अपना मौसम मानते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तामीर और तरक्की के हवाले से लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब की क्यादत में मुमकिन है, और इमरान खान साहब की क्यादत में जो उनका विजन और कमिटमेंट है, हमें जो वो ऑर्डर करेंगे हम उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन इमरान खान साहब की डिजायर के मुताबिक करेंगे। क्योंकि हम उनके वर्कर हैं, हमें जो वो हुक्म सादर करेंगे हम उस पर उसी लेटर और स्पिरिट में इंशाल्लाह अमल करेंगे। पुरानी हुकूमत भी थी सर, तब्दीली क्या लाएंगे आप आजाद कश्मीर में? चूंकि वजीर आजम अगर आपको, आप पे एतमाद करते हैं, वजीर आजम बनाते हैं, तो क्या आपकी पॉलिसी होगी तब्दीली? 2011 से 2016 तक पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 16 से आज तक PMLN की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेटस को चैलेंज करके आई है, यानी बारियां नहीं लग सकती, एक ने बारी ली हुई है, दूसरे ने बारी ली है, तीसरे ने बारी। मेरे हवाले से भी जो आप समझते हैं, मुझे इमरान खान साहब ने जो वहां भेजा, जो मेरी असाइनमेंट थी, तो वो यही था कि ये एक रूटीन से हटके आदमी आ रहा, जो भी आएगा तो उसको वो नहीं, मतलब चैलेंज समझते। तो आज हम ये समझते हैं कि वहां पे तब्दीली जो इमरान खान साहब वहां टूरिज्म के हवाले से, मैकेनाइज फार्मिंग के हवाले से, IT सॉफ्टवेयर पार्क के हवाले से, चूंकि जॉब्स वहां पे, वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से, वो बहुत काम होना है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट आजाद कश्मीर में आसमान को छू रही है, और इमरान खान साहब का इस हवाले से बहुत कंसर्न है। हमारे बच्चे और बच्चियां जो हाईली क्वालिफाइड हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहे, 0.5% प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं है आजाद कश्मीर में। तो हम ये समझते कि इंशाअल्लाह ताला फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग, ये नया हाउसिंग का वहां पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन ये पूरा जो इमरान खान साहब का विजन है वो इसको इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट वो बनाएंगे इस पे इंशाल्लाह अमल करवाएंगे। अच्छा सर, आपकी मर्जी के खिलाफ या फिर ऐसा फैसला आता है किसी और के नाम कुरान निकलता है, तो क्या आपको एक्सेप्ट होगा ये? और दूसरी बात ये कि फिर क्या आप कम्प्रोमाइज करेंगे कि सदर, सीनियर वजीर, किस पे कम्प्रोमाइज करेंगे? देखिये, जैसे मैंने गुजारिश की कि ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ का प्रोगेटिव है, हम उनके वर्कर हैं, हमारी कोई डिजायर नहीं है, हमें जो असाइनमेंट वो देंगे हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा सर, जैसे इलेक्शन कैंपेन में बहुत जबरदस्त कैंपेन हुई, आप डेवलपमेंट का क्या मंसूबा रखते हैं कि एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के पास महदूद वसाइल हैं, आप जाती सीट में भी आजाद कश्मीर में खर्च करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वहां पे एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसे हो रहे हैं कि 140 अरब का बजट है, 140 अरब में से 112 अरब गैर तरक्याती है, यानी जो सैलरीज, गाड़ियों की मेंटेनेंस, किराए और इन चीजों में खर्च, 28 अरब तरक्याती है, यानी आपको 28 अरब खर्च करने के लिए जो तरक्याती है आपको 112 अरब खर्च करने पड़ते हैं। तो वसाइल तो महदूद नहीं है, वसाइल है, इसका मतलब है। जहां तक देखें, मैं ये समझता हूं कि हमें जब भी जहां जरूरत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, और वो हम आगे भी अपनी जाती कंट्रीब्यूशन तो करेंगे ही करेंगे, करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो इस वक्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो वहां पे ना होने के बराबर है, ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि 112 अरब खर्च करें 28 अरब खर्च करने के लिए। अच्छा, ये बातें आज प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई आपने, इंटरव्यू हुआ? मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को हमसे बहुत बेहतर पता है और उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे कई गुना ज्यादा है। सबसे दिलचस्प सवाल क्या था PM साहब का, जो आपको अच्छा भी लगा और हैरान भी किया? देखिए, हम उनके सुबॉर्डिनेट हैं, मैं चूंकि पंजाब गवर्नमेंट में भी उनके साथ मैंने उनके सुबॉर्डिनेट के तौर पर काम किया,
तो खान साहब की जो मालूमात है, नॉलेज है, और मैं आपको बताऊं कि जो उनका इखलास और खुलूस है टूवर्ड्स मुल्क और कौम के, वो मिसाली है। मैं इसलिए कहता हूं कि बाबा कौम महमूद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमें अगर कोई लीडर और रब है नसीम हुआ तो वो इमरान खान साहब है। इसलिए कि पाकिस्तान का बनना मस्जिद अलाई था और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कड़ा एहतसाब, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल एहतसाब के ऊपर खान साहब से बात हुई। खान साहब एक बहुत जीन और कमिटमेंट रखते हैं कि आजाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा इससे कोई चैलेंज है वो एहतसाब का न होना है और ब्राय नाम एहतसाब का इदारा है उसके ऊपर खान साहब एक 100% इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं और उस पर वो कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नाज़रीन सरदार तनवीर इलियास हो और एक सवाल ना हो, मैं जरूर एक सवाल करूंगा। इलेक्शन हुआ, मरियम नवाज का बयानिया के खिलाफ या हुकूमती इदारों के रियासती इदारों के खिलाफ था या फिर लोगों में नफरत थी या पीपल्स पार्टी भी मतलब पीछे रही, तो क्या वजह है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम नवाज साहिबा जो करने की कोशिश कर रही हैं कि वोट को इज्जत हो, मैं समझता हूँ कि वोट की बेतोकिरी हमेशा इन लोगों ने की। इन्होंने कब वोट को जो है इज्जत दी? आप ये देखिए कि आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, ये हमेशा मौसम खुश रहे, जो इनको लाए थे उनके साथ क्या किया, मतलब इनको आज जमहूरियत और वोट याद आता है। महमूद खान जुनेजो का साथ इन्होंने क्यों ना दिया, जनरल जिलानी की अयादत ना की, वो 3 माह अस्पताल में रहा। देखिए बात यह है कि ये जो जमहूरियत की बातें करते हैं, किस इदारे के साथ इनकी बनी? 6 आर्मी चीफ गए उनके साथ नहीं बनी, किसी सदर के साथ नहीं बनी। जब जब इनको मौका मिला, मैं ये समझता हूँ कि लोग इनको पहचान चुके हैं, लोग इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ये जेलें काटना इनके बस की बात नहीं, आप अंदाजा लगाएं कि किस किस्म की बीमारियां, किस किस्म के बहाने। अभी ये खुद भागना चाह रही थी तो गलगित में आपने देखा, आपने कश्मीर में अभी सूरत हाल देख ली, कल आपने सियालकोट के इलेक्शन में भी आपने सिचुएशन देखी। और मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि 2023 के इलेक्शन में भी आप इनकी इससे ज्यादा बुरी पोजीशन देखेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बड़ा मैंडेट लेगी। मरियम नवाज के पास कहने कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो आवाम को कन्विंस कर सके। जी बिल्कुल, सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में सुन तो बहुत रखा था लेकिन मेरा ये पहला इंटरव्यू है उनका, अगरचे ताल्लुकात हमारे बतौर सहाबी बहुत ज्यादा इनके साथ रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि वजीर आजम इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त था कि सरदार तनवीर इलियास को ला के तहरीक इंसाफ में और भरपूर तरीके से सियासी मैदान में उतारा और जीत के बाद अब वो उस फहरिस्त में शामिल है जहां पे वजीर आजम आजाद कश्मीर जो है वो बनना यकीनन अब दूर नहीं है। वजीर आजम इमरान खान के विजन की एक एक चीज उन्होंने खोल के रखी और यकीनन वही विजन जो पाकिस्तान में तब्दीली ला रहा है वो आजाद कश्मीर में तब्दीली जरूर लाएगा। टीका खान सानी को इजाजत और वजीर आजम इमरान खान को ये कहना कि कायद अजम के बाद वो बड़े लीडर हैं, आखिर ये क्वालिटीज थी कि पाकिस्तान की हस्ती मनवाई उन्होंने, इसी वजह से सरदार तनवीर इलियास आज तारीफ करते नहीं थकते। टीका खान सानी को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह नेजबान।